नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज एक जानकारी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को अभी तक, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबा दें। तो जो लोग सीख रहे हैं वो लोग ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए, यह गाड़ी है पल्सर 150 cc और इसमें करंट प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें किक मारने के बाद भी करंट नहीं दे रहा है। देखिए, यह जो तार है बैटरी का, इसमें करंट आ रहा है। देखिए, यह CDI में जो आप देख रहे हैं तार, अब जो यह तार देख रहे हैं हल्का मटमैला कलर का है और लाल इस तार को देखिए इस कोना में है। इसमें करंट आना चाहिए। अगर इसमें करंट नहीं आ रहा है तब कहीं ना कहीं से फॉल्ट है। इसमें करंट आना चाहिए। देखिए, इसका हैंड स्विच ऑन है, तो हम इसको खोल के आपको दिखा रहे हैं कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, जो ये तार देख रहे हैं इधर वाला, इसमें करंट आना चाहिए। दोस्तों, पिकअप कॉइल जल्दी किसी भी गाड़ी का शॉर्ट नहीं करता है। मैं पिकअप कॉइल चेक करने की जानकारी अपने अगले वीडियो में ज़रूर चढ़ा दूंगा। तो देखिए, इसमें करंट आना चाहिए। हम दिखा रहे हैं आपको करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए, हम इसमें जो है तार लगा दिए हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए, इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से इसमें वायरिंग फॉल्ट है। दोस्तों, यह स्विच ऑन है और इस स्विच का जो ऑन करने के बाद जो होता है, यहाँ पर एक कनेक्शन है, सॉकेट लगा हुआ है। इसमें जो है कि हम यहाँ से डायरेक्ट कर चेक कर सकते हैं। अगर यह स्विच ख़राब होगा तो यहाँ डायरेक्ट करने से वहाँ पर करंट ज़रूर जाएगा। देखिए, जैसा वहाँ पर कलर था वही कलर सेम यहाँ पर है। तो दोस्तों, यहीं से जो है करंट जाता है। तो इस सॉकेट को खोल करके डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ और देखते हैं करंट वहाँ जा रहा है कि नहीं। देखिए, जो सॉकेट है नीचे वाला, यह सॉकेट इसको डायरेक्ट कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो स्विच है वह शॉर्ट कर जाता है। शॉर्ट करने से भी जो है कि इसमें करंट नहीं आता है। तो देखिए, हम इसको डायरेक्ट करके अब यहाँ पर जो है चेक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए हैं और अब इस तार में जो है करंट आना चाहिए। देखिए, अब करंट यहाँ पर आने लगा है। तो यह स्विच जो है कभी कभी शॉर्ट भी हो जाता है, तो करंट यहाँ पर नहीं आता है। तो देखिए, अब हम CDI लगा रहे हैं। अब देखिए, इसमें करंट आने लगा। दोस्तों, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया।
तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह जो स्विच है शॉर्ट कर जाने के बाद भी करंट प्रॉब्लम हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो या जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें।